मायावती से वसूला जाएगा हाथियों और अपनी मूर्तियों पर किया गया खर्चा। नई दिल्ली लखनऊ। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को बड़ा झटका दिया है। मायावती और हाथी की मूर्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाने हुए मायावती से इस पैसे की भरपाई करने को कहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगह सरकार में रहते हुए अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि हाथियों की मूर्ति बनवाने के मामले में कोर्ट ने पैसे की भरपाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2009 में दायर की गई एक याचिका पर आज यह फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि मायावती ने अपनी और हाथियों की मूर्तियां बनाने में जितना जनता का पैसा खर्च किया है उसे वापस लौटाना होगा। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के वकील को कहा है कि वे अपने क्लाइंट से कहें कि उनके द्वारा अपनी और हाथियों की मूर्ति बनवाने पर जिनता जनता का पैसा खर्च किया है कि उसे सरकार के कोष में जमा करवाएं। दरअसल साल 2009 में कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दायर करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने सरकार में रहते हुए अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथियों की मूर्तियां बनवाने में जनता का पैसा बर्बाद किया है। आगे कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाथियों और मायावती द्वारा बनवाई गई मूर्तियों पर खर्च हुए जनता के पैसे की भरपाई उन्हीं से करवाई जानी चाहिए, जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लेते हुए मायावती को सरकार के कोष में पैसा जमा करवाने को कहा है। साल 2009 में मायावती ने अपनी सरकार में नोएडा सहित कई जगह अपनी और हाथियों की मूर्तियां बनवाई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष ने इसका विरोध भी किया था।